नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर लोक आस्था के पर छठ महापर्व को लेकर है। लोक आस्था का महापर्व छठ का चार दिनी अनुष्ठान शुक्रवार को नहाए खाए के साथ प्रारंभ हो गया। नहाए खाए को लेकर शुक्रवार को छठ व्रतियों ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना के पश्चात कद्दू की सब्जी, चना दाल एवं अरवा चावल का सेवन किया। साहिबगंज एवं राजमहल के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। खरना को लेकर कई छठ व्रतियों ने राजमहल गंगा किनारे ही गंगा के जल में गेहूं के धोकर गंगा के तट पर पूरे भक्ति भाव के साथ सुखाया। पूजा को प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच गहरे संबंध द्वारा चिन्हित किया गया है। अपनी समृद्ध परंपराओं के साथ ही त्योहार कृतज्ञता, अनुशासन और जीवन के शाश्वत चक्र का सार समाहित करता है। ये पवित्र त्योहार ऊर्जा और जीवन के अंतिम स्रोत सूर्य देव को समर्पित है। छठ त्योहार ऊर्जा के देवता सूर्य देव की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पवित्र छठ पूजा करने से कुष्ठ रोग जैसी पुरानी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। छठ पूजा को बहुत ही कठिन पर्व माना जाता है। नहाए खाए के साथ आज से छठ महापर्व शुरू हो गया है। नहाए खाए में व्रती पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्य चावल के साथ कद्दू की सब्जी, चने की दाल ग्रहण करते हैं। 18 नवंबर को खरना है। इस दिन गुड़ और खीर का प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पण करने के बाद व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इस महाप्रसाद को भक्तों के बीच वितरित भी किया जाता है। व्रती गुड़ और खीर का प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे निर्जला उपवास रखती है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसे संध्या अर्घ्य भी कहते हैं। इसके अगली सुबह 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ व्रत को लेकर साहिबगंज में एवं राजमहल में राजमहल के विधायक अनंत कुमार ओझा ने पदाधिकारी के साथ गंगा घाटों का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में छठ व्रतियों ने क्या कहा, विधायक ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं उन्हीं से रिपोर्ट। राजमहल से भूदेव के साथ प्रवीण कुमार, स्टार। छठ का आरंभ हो रहा है। हम लोग यहाँ गंगा का पवित्र जल लेकर धोते हैं, धो करके यहाँ सुखा करके प्रसाद का तैयारी करते हैं। इसी गेहूं से हम लोग खरना का प्रसाद और छठ का जो है छठुआ का तैयारी करते हैं। मेरा पर्व है छठ पर्व, महापर्व है। आज से ही मतलब गेहूँ सुखाना होता है। बहुत आस्था का पर्व है। राजमहल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यह पर्व और चार दिन लगता है। घर में उत्सव हो रहा है। बहुत अच्छा पर्व हम लोग मनाते हैं। इसमें सूर्य उपासना का यह महाव्रत है, छठ का शुभकामनाएं देता हूँ। और आज छत्तीसगढ़ से लौटने के तुरंत बाद यहाँ के हमारे नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी, सामाजिक संगठन के सभी कार्यकर्ता के साथ जो शहर के विभिन्न छठ घाट है, उस घाटों के लेकर के आज जो भी प्रारंभिक जरूरतें थी उसको लेकर के हमने निर्देशित किया है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि पतित पावनी माँ गंगा का विरल प्रवाह साहेबगंज वासियों को, राजमहल वासियों को, जिले वासियों को मिलता रहा है। और प्रकृति के पर्व के साथ जुड़ा हुआ यह पर्व हम सबके जीवन में सुखदायी बने, इसके लेकर के समाज के विभिन्न आयामों के स्वयं समाज भी स्व अनुशासन के साथ, पूरी स्वच्छता के साथ, नियम निष्ठा के साथ इस छठ व्रत के अनुष्ठान में लगा रहता है। शासन के स्तर पर भी नगर पालिका के जो यहाँ नगर परिषद है, राजमहल का नगर पंचायत है, ऐसे सभी लोग भी घूम करके इनको काम कर रहे हैं। और कार्यपालक अधिकारी युवा है, इसलिए इनसे अपेक्षाएं भी है कि जो भी जरूरतें थी उसको हमने निर्देशित किया है आने वाला समय में। छठी मैया बरत तोहार, करी क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती।